तो आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग चैप्टर देख रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उसी में आगे कंप्लीट करते हैं जहाँ पे छोड़ा था, उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। आज जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने आपको लास्ट क्लास पढ़ाया था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वहीं से अब आपको वेव के बारे में पढ़ना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, वेव क्या होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है वेव की। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, ठीक है ना? तो न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे आपको बाद में, बट फिलहाल अभी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं। जल्दी जल्दी टॉपिक देखेंगे, क्वेश्चंस बाद में देखा करेंगे। तो वेव इस तरीके से होती है, कोई सी भी वेव के अंदर जो अपर मोस्ट पॉइंट होता है वो क्रेस्ट होता है, लोअर मोस्ट पॉइंट जो होता है ट्रफ, उसे क्या कहते हैं, हम ट्रफ कहते हैं, ठीक। ये जो अपर मोस्ट पॉइंट या लोअर मोस्ट पॉइंट का डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस जो होता है बेस से, इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास होता है फिर वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लेमडा से डिनोट करते हैं, किस सिंबल से डिनोट करते हैं, लेमडा। इसको हम बोलते हैं लेमडा, इस सिंबल का नाम होता है लेमडा। वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ नाम से समझ सकते हो आप वेव की लेंथ, ठीक है ना? जैसे एक वेव यहाँ से शुरू हुई तो एक वेव कहाँ खत्म हुई, यहाँ से आधी हो गई, ये पूरी यहाँ पे खत्म हो गई, है ना? ये 180 डिग्री हो रही है, 360 डिग्री, 180 प्लस 180, 360। तो एक वेव यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे खत्म हुई, तो वेवलेंथ मतलब एक वेव की लेंथ। और अगर मैं इसको यहाँ से शुरू करूँगा तो ये यहाँ पे ख़त्म होगी, आप सोच सकते हो, है ना? जब मैंने यहाँ से शुरू करी तो यहाँ ख़त्म हुई, यहाँ से शुरू करोगे तो यहाँ ख़त्म होगी, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 90, टोटल मिला के 360 हो जाएगा ना ये आपके पास, इस तरीके से। तो इसको मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस है ना ये, दो लगातार जो नियरेस्ट क्रेस्ट है, एडजेसेंट क्रेस्ट है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, वेव लेंथ। इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेव लेंथ, लेमडा। इसको हम क्या बोलेंगे, वेव लेंथ, ठीक। या फिर दो एडजेसेंट ट्रफ, अगर आप इसको यहाँ से स्टार्ट करोगे तो फिर ये कहाँ खत्म होगी, यहाँ पे खत्म होगी, है? तो आप वेवलेंथ को ऐसे डिफाइन कर सकते हो, टू एडजेसेंट क्रेस्ट या ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। वेवलेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। यूनिट्स याद रखनी है आपको, यूनिट किसी की भी नहीं छोड़नी है, यूनिट्स आपको सबके पता होनी चाहिए। लेंथ है, लेंथ की यूनिट आपको पता है, ऐसा यूनिट मीटर होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को जिस सिंबल से नोट करते हैं इसे बोलते हैं न्यू, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, एन यू, न्यू। न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब आप कोई भी चीज़ कितनी बार कर रहे हो, है ना, कितना फ्रीक्वेंटली कर रहे हो उसे। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी वेव्स आपकी प्रोड्यूस हो रही है पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकंड। जैसे इस ये मान लो मैंने 1 सेकंड का ग्राफ बनाया, तो मैंने एक वेव और दो वेव बनाई है, तो यहाँ पर हो गई 2 वेव्स पर सेकंड। अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2 वेव पर सेकंड आ जाएगी, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी का ही रिलेशन होता है टाइम पीरियड के साथ। फ्रीक्वेंसी में एक फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड, ये आप ध्यान रखना है। यहाँ पर टी क्या है आपका, यहाँ पे होता है टाइम पीरियड, ठीक। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, 1/टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का। ऐसा यूनिट फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज या फिर सेकंड इनवर्स होती है। डिफाइन इसमें आपको याद नहीं रखनी है एक की भी, जस्ट मैंने नॉलेज के लिए, नोट्स बनाने के लिए आपको दे रखा है, रटना नहीं है, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। जो याद रखने आपको फॉर्मूले याद रखने, ऐसा यूनिट्स याद रखने, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सिंबल याद रखने हैं, ठीक है ना? सिंबल के बिना काम नहीं चलता। क्योंकि फिर नेक्स्ट हमारे पास है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का। वेवलेंथ का रेसिप्रोकल लैम्डा था, लैम्डा का उल्टा क्या हो गया, वेव नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, न्यू बार से। क्या से, इसको क्या बोलते हैं, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, न्यू बार, न्यू बार बोलते हैं ना। ऐसा यूनिट क्या होता है, इसकी मीटर इनवर्स आप निकाल भी सकते हो। अभी आपने लैम्डा की देखी थी, मीटर थी, तो मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर -1 हो जाएगी ना, ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है। इनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, ठीक। हम स्पीड ऑफ लाइट को सी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को सी से डिनोट करते हैं, जो कि कितनी होती है, 3 × 10^8 m/s। ये आप याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10^8 m/s। फिर एम्पलीट्यूड मैं आपको बताया चुका हूँ, मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है, चाहे क्रेस्ट तक का ले लो चाहे ट्रफ तक का ले लो। फिर एक फॉर्मूला याद रखना होता है, फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ और वेलोसिटी के बीच सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, सी आपको पता होता है, ठीक। स्पीड ऑफ लाइट, सी क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट, सी होती है स्पीड ऑफ लाइट, या इसी को हम क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी, ठीक। ई एम वेव की जो स्पीड होती है लाइट की स्पीड के बराबर होती है, ठीक। तो सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, आपको सी पता है, अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ दे सकता है, दे देगा, तो आप दूसरा निकाल सकते हो, ठीक। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव हो गया, इसको नोट करेंगे, फिर मैं आगे का बताता हूँ, फिर आगे करेंगे, ठीक। हाँ जी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। वेव नेचर वहीं पर ख़त्म हो गया, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब आपको नेक्स्ट पढ़ना है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
रेडिएशन। तो डुअल नेचर होता है जैसा कि हमने बताया था, वेव नेचर आप पढ़ चुके हो, पार्टिकल नेचर पढ़ना है। पार्टिकल नेचर किसने एक्सप्लेन किया? पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन किया मैक्स प्लैंक ने। कैसे एक्सप्लेन किया? ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उन्होंने अपनी क्वांटम थ्योरी दी। क्या बताया? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, व्हेनेवर अ सब्सटेंस एमिट लाइट, इट एमिट्स स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्या कह रहा है? जब भी कोई सब्सटेंस लाइट एमिट करता है तो वो, या एनर्जी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एमिट करता है, कोई भी एनर्जी एमिट करता है, वो सारी एनर्जी एक बार में नहीं निकालता, वो क्या करता है, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में निकालता है। जैसे कोई कंपनी है, सपोज वो लेस बनाने की कंपनी है, लेस चिप्स बनाती है, तो सारे चिप्स एक बार में नहीं बेच देती, वो क्या करती है, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स बनाती है चिप्स के, देन डिस्ट्रीब्यूट करती है ना। अगर आपको सारे चिप्स की प्राइस निकालना है तो आप प्राइस कैसे निकालोगे? आपको एक पैकेट का प्राइस पता लग जाए और कितने नंबर ऑफ पैकेट्स उसने बनाए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल दोगे कि भाई इन्होंने 10 पैकेट बेचे, एक पैकेट 10 रुपए का था, तो कॉस्ट कितनी आ गई? 100 रुपीज आ गई। ठीक, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। सेम यहां पे होता है। तो बस आप ध्यान रखना, जब भी कोई सब्सटेंस लाइट एमिट करता है या एनर्जी एमिट करता है, वो स्मॉल पैकेट की फॉर्म में एनर्जी एमिट करता है, एक बार में एमिट नहीं करता। आप सुनो, अगर एनर्जी, लाइट एनर्जी की बात हो रही है, लाइट एनर्जी के केस में तो स्मॉल पैकेट्स का नाम क्या हो जाता है? फोटोन। लाइट एनर्जी के केस में स्मॉल पैकेट्स का नाम हो जाता है, लाइट एनर्जी के केस में अगर आप बात कर रहे हो पैकेट्स की, तो इन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? फोटोन्स। लेकिन अगर ये लाइट एनर्जी के अलावा अगर आपकी एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, अगर कोई और फॉर्म है एनर्जी की, उस केस में जो आपके, जब भी उस केस में भी जब एनर्जी निकलेगी वो स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में ही निकलेगी, एक बार में नहीं निकलेगी सारी एनर्जी, लेकिन इन स्मॉल पैकेट्स का जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्वांटम। ये होता है बस क्वांटम। जब हम लाइट एनर्जी की बात करेंगे तो स्मॉल पैकेट को फोटोन कहते हैं, लाइट एनर्जी के अलावा कोई और एनर्जी है तो उसको, स्मॉल पैकेट को हम क्या बोलेंगे? फोटोन। ना कह के हम क्या कह देंगे? क्वांटम। तो जनरली लाइट की बात करते हैं यहाँ पर, इसलिए फिर वही पढ़ रहे हैं, फोटोन लिख के पढ़ रहे हैं। तो उसकी फोटोन की एनर्जी किस फॉर्मूले से दे सकते हैं? एनर्जी जो हो सकती है एनएच न्यू से दे सकते हो या एनएचसी बाय लैम्डा। दो फॉर्मूले याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन कराऊंगा आपसे, यहाँ पूछूंगा, ठीक है ना, कि ये फॉर्मूले मैंने बताए हुए हैं सारे के सारे, तो फॉर्मूले याद कर लो, एक पेज पर सारे फॉर्मूले यूनिट्स वगैरह लिख लेना। ठीक, यहाँ पे E क्या है? E एनर्जी है। N क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। H यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻¹⁴ जूल सेकंड। इसकी वैल्यू आप याद रखना, वैसे तो प्रोवाइडेड होती है क्वेश्चंस में, लेकिन कभी कभी नहीं भी होती, बोर्ड वगैरह में, स्कूल्स में नहीं भी देते हैं कभी कभी, कम्पिटिटिव में तो दे देते हैं आपको। न्यू फ्रीक्वेंसी है, पीछे हम देख चुके हैं, लैम्डा वेवलेंथ होता है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, पीछे भी बोला था याद रखना है, यहाँ भी बोलूंगा याद रखना है। यही होती है हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। जब भी कोई सब्सटेंस लाइट एमिट करेगा वो एक बारी में एमिट नहीं करेगा, वो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी एमिट करेगा। ठीक, क्लियर। यही हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी था, पार्टिकल नेचर। इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह अगली बार में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी को मेरा धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।